आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश, चाहे गुजरात, चाहे हिमाचल प्रदेश, चाहे दिल्ली, सब जगह इस समय माहौल चुनावी है। सर्दी तो जरूर है, पर समय जो ठंडक है वो ठंडक कम पड़ गई है। कि ठंडक इस समय कम इसलिए पड़ी है क्योंकि इस समय जो चुनावी सरगर्मी है वो इतनी बढ़ चुकी है कि ठंड के मौसम के बावजूद गर्मी का एहसास होता है। कारण एमसीडी चुनाव, कारण गुजरात चुनाव, कारण निकाय चुनाव और कारण उत्तर प्रदेश में उपचुनाव मैनपुरी, रामपुर, खतौली। यहाँ जो चर्चा का विषय है वो तमाम बिंदु हैं। एक तो आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन, उनका ये वीडियो वायरल हुआ। कहा जा रहा है वीडियो 13 और 21 सितंबर 2022 का है, जिसमें वो मसाज लेते नजर आ रहे हैं। तिहाड़ जेल का वीडियो है, पास में बिस्लरी पानी की बोतल भी रखी है, टीवी का रिमोट भी है और पैर की उनकी मसाज चल रही है, जिसको लेकर भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी पे आरोप कर रही है। इसके पहले भी, हालांकि ये बात नई नहीं है, इसके पहले भी ईडी ने कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा था कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हालांकि सत्येंद्र जैन अभी बाहर नहीं निकल पाए हैं क्योंकि उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, पर चूंकि वीडियो वायरल हुआ है, कैदियों को इतना अच्छा व्यवस्था है, भाई अगर आप जेल में हैं तो आप कैदी के रूप में ही हैं, वहाँ कोई VIP कल्चर, भाई वहाँ कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं होता है, वहाँ जो आम कैदी को मिलेगा वही आपको मिलेगा। पर शायद आम कैदियों को वहाँ मसाज की, बिस्लरी पानी की और TV की व्यवस्था जल्दी नहीं मिलती होगी, पर चूंकि मंत्री हैं और उनको मिल रहा है और मिलने के बाद जो एक माहौल बन चुका है वो माहौल बन चुका है आरोप प्रत्यारोप का। खैर, अगर हम बात करें तो ये देश में पहली बार नहीं है जहाँ पर तमाम तरह के वीडियो वायरल हुए हैं, जेल के कई तरह के वीडियो वायरल हुए हैं और जेल की स्थिति तो ये है कि कई जेलों में हत्याएं तक हो जाती हैं और मामला ठंडा पड़ा रहता है, कौन कर गया, कैसे कर गया, और जेल से रंगदारी वसूल ली जाती है। खैर, जेल तो एक अपने ऊपर एक अलग व्यवस्थाओं को लिए हुए है, पर केवल और केवल मसाज को लेकर जिस तरह से राजनीति क्रम है वो भी काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ इसलिए क्योंकि MCD चुनाव है और यहाँ पर मुद्दा ढूंढने के लिए दोनों दल लगे हुए रहते हैं। इसके अलावा अगर मानते हैं तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियों के चलते आम आदमी पार्टी सक्रिय है। पहले गंदगी हटाओ झाड़ू लाओ अभियान 1 नवंबर से 15 नवंबर का, उसके बाद 20 नवंबर से 30 नवंबर तक आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 800 कार्यकर्ता सम्मेलन कराएगी। शुरुआत हो चुकी है, नगर पंचायत स्तर पे, सभासद स्तर पे एक सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और 10 दिन के अंदर 800 कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे। महत्वपूर्ण रणनीति, सपा मैनपुरी, खतौली, रामपुर के उपचुनाव में बिजी है, निकाय चुनाव के लिए क्या तैयारी है वो तो सपा वाले ही बेहतर जानते होंगे। तो वहीं अगर गुजरात की बात करें तो वहां पर भी माहौल गर्म हो गया क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जो कि 7 सितंबर 2022 से शुरू हुई थी उसको बीच में होल्ड करके और चले गए हैं गुजरात, सूरत और राजकोट में रैली करने के लिए, जहां पर कहा जा रहा था बड़े बड़े नेताओं के द्वारा कि राहुल गांधी चूंकि यहां हारने वाले हैं, जो स्थिति 27 साल से बनी हुई है वहां कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, इसके चलते राहुल गांधी यहाँ आ नहीं रहे हैं। तो तमाम कयासों को अलग करते हुए राहुल गांधी भी वहां पर रैली करने पहुंच गए हैं और रैली हो गई। महत्वपूर्ण विषय है। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो वीडियो में वो कह रहे हैं कि वो कोई मसाज करा रहा है, VIP ट्रीटमेंट है, वो फिजियोथेरेपी कर रहा है, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था। अमित शाह जी जब यहाँ के मंत्री थे गुजरात में, वो जब जेल में थे उनको VIP ट्रीटमेंट जो मिला था यहाँ पे जेल में गुजरात में, ऐसा कोई VIP ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को नहीं मिल रहा। आप पता कर लीजिए यहाँ पे अमित शाह को क्या VIP ट्रीटमेंट मिलता था, वहाँ पे तो सत्येंद्र जैन को कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं। Okay. चर्चा का विषय मसाज से बवाल हो रहा है और बवाल के चलते यहाँ पर लड़ाई हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। भाई होना भी चाहिए,
मौसम चुनावी है और अगर अब आरोप प्रत्यारोप की गर्मी नहीं फैलेगी तो कब फैलेगी। एमसीडी गुजरात निकाय मैटपुर चुनाव हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा से केसी भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से रविंद्र प्रताप भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रदीप तिवारी भाई कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, आमिर साबरी भाई बड़े पत्रकार रूप में पक्ष रखेंगे और आम आदमी पार्टी, क्योंकि मुद्दा थोड़ा सा आम आदमी पार्टी जुड़ा हुआ है, तो सैयद मोहम्मद तकी भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा के विषय तो आज पहले हम तो तकी भाई से शुरू करेंगे। तकी भाई, भाई क्यों मसाल मसाल दिलवा रहा है भाई, यहाँ मंत्री को ईडी आरोप लगा चुकी है, हलफनामा दायर कर चुकी है और मसाज के बाद इस तरह बवाल हो रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जेल में पहली बार एक अलग तरह की कहानी रची गई है, तमाम तरह के मामले जेल से आते रहते हैं, तमाम तरह के वीडियो आते रहते हैं, हत्याएं भी हो जाती हैं, पर जिस तरह से यहाँ पर मसाज पर बवाल हो रहा है तो वो तो बवाल ज़्यादा हो रहा है। और आपका जो कार्यकर्ता सम्मेलन आप कराने वाले हैं 20 नवंबर से 30 नवंबर तक 800 कार्यकर्ता सम्मेलन, कहीं ना कहीं उस बवाल के चलते ये थोड़ा सा डाउन जा रहा है, कैसे देखते हैं आप दोनों मामलों को? देखिए गौरव जी, आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है जी और कट्टर देशभक्त पार्टी है। अच्छा, आम आदमी पार्टी किसी तरह की भी बीमारी को, किसी तरह के भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, ना पार्टी के अंदर, ना पार्टी के बाहर, ना देश में। अच्छा, और ये जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि मसाज हो रहा है, वो मसाज नहीं है, वो फिजियोथेरेपी कराई जा रही है, उनकी स्पाइन इंजरी हुई थी। अच्छा, प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, उनको प्रिस्क्राइब प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है। अच्छा, और प्रिस्क्रिप्शन के जरिए, प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट के जरिए उनका साइंटिफिक इलाज हो रहा है, साइंस के जरिए उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, आजकल सबको मिलता है। और ये तो उनका अपना अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसको, हर रोगी को अच्छा ट्रीटमेंट मिले, तो इनका ये अधिकार है, वो मानव अधिकार के अंतर्गत उनको जो उनके राइट है वो वहाँ जेल में मिल रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी या हंगामा की। अच्छा, पर लग नहीं रहा कि जब उनकी मसाज हो रही है कि तकलीफ में है, वो तो आराम से लेटे हुए हैं। ये मौलिक अधिकार है, तकलीफ में जब थे, जब गिरे थे तब तो वीडियो नहीं आया, जब तो सर्जरी हुई थी तकलीफ में थे, अब उनको आप स्पाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन, एक पार्ट है बॉडी का। केसी भाई मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर, भाई केसी भाई आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं। केसी भाई तो मुस्कुराते भी है, उनके मुस्कुराने के दिन जाने वाले हैं, गुजरात में चुनाव हारने जाने वाले हैं, जैसे मुस्कुरा रहे हैं दिल्ली में चुनाव हारने वाले हैं, तो कुछ दिन बचे हैं उनके पास, तो मुस्कुरा लें। अच्छा, अच्छे दिन के जाने वाले हैं, जनता के अच्छे दिन नहीं है लेकिन बीजेपी के अच्छे दिन जरूर जाएंगे, ये बात तो तय है। अच्छा, और गुजरात में चुनाव बीजेपी जाने वाली, सूबा साफ हो रहा है, दिल्ली में जाने वाली है, जितनी भी छत्रवादियां कर दें, अच्छा, इल्जाम लगा लें, आरोप प्रत्यारोप लगा लें, तो सारी रात से कर नहीं पाए, पिछले 10 सालों में ना कर पाएंगे आगे। ये ऐसे ही मनोहर कहानियां जो है, चुटकुले मनोहर कहानियां, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, सुना सुना के दिखा दिखा के जनता का जो है मनोरंजन करते रहेंगे। अच्छा, जनता के वास्तविक मुद्दों पे कभी बात नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कि भाई महंगाई क्यों पड़ रही है, रुपया क्यों गिर रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार भ्रष्टाचार क्यों फैल रहा है, अच्छा, देश के अंदर स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस क्यों बढ़ रही है, लोगों को महंगाई से राहत क्यों नहीं मिल रही है, अदानी अंबानी करोड़ अरब पति कैसे होते चले आ रहे हैं। अच्छा, ये भी आने से पहले अदानी का नाम देश दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों में था, 600 से नीचे स्थान था, लेकिन बीजेपी के। अच्छा अच्छा, ठीक है तकी भाई, एक सवाल और रहेगा मेरा, सुन लीजिए, वो टॉप 2 नंबर पे आ गए, तो भाई इस तरह के सवाल जब बीजेपी से पूछे तो उनको परेशानी होती है, तो चाहते हैं ऐसे मुद्दों में उलझाए रखे सब लोगों के, लोग ऐसे सवाल ना पूछ पाए। अच्छा, बीजेपी जब भी हमको मौका देगी इस तरह की बातें करके, ठीक है ठीक है, हमें मीडिया में लाएगी, ठीक है, खड़े सवाल जरूर पूछेंगे। एक सवाल और ले लीजिए मेरा, एक सवाल और ले लीजिए जाते जाते जी, 800 कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत कर दी है आपने, लगता है निकाय चुनाव में बहुत बड़ी चुनौती रहने वाले हैं भाजपा और सपा को और कांग्रेस को भी। आम आदमी पार्टी बीजेपी को, कांग्रेस को, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उनको चुनौती देगी, इसलिए नहीं कि हमको राजनीति में हमारा अपना बच्चों का साथ चला जाए, इसलिए कि जनता ने सवाल इनको हमेशा हमेशा उनका परिहास उड़ाया गया, उनका उपहास उड़ाया गया, उनको नौकर बना के रखा गया, वो जनता को हम मालिक बनाने आए हैं, हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपने को धरातल पे उतारने आए हैं, इस पंक्ति में लगे हर आखिरी व्यक्ति को वही सुख सुविधाएं देने आए हैं। दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल लागू करेंगे क्या उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के बाद जी? उत्तर प्रदेश के निकाय में दिल्ली और पंजाब मॉडल लागू करेंगे तकी भाई? मैं बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में अगर आपको अच्छी सफलता मिलती है वहाँ पर दिल्ली और पंजाब का मॉडल लागू करेंगे क्या? देखिए हम लोग वो हर काम करेंगे, जनता को जरूरत है, ठीक है, परेशान है, ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी किसी बताएंगे, हम उस टूटी जनता के आत्मविश्वास को जो है बढ़ाने आएंगे, उसको जगाएंगे, उसके लिए हर राह का काम करेंगे। चलो ठीक है ठीक है। कैसी भाई, भाई उनको स्पाइन दिक्कत थी भाई, उनको अगर वो करा रहे थे मसाज
तो आप लोग क्या दिक्कत है भैया, आप लोगों को हर जगह वीडियो आप वायरल करवा देते हैं, अगर मसाज उनको हो रही है क्या समस्या है भैया आपको? दिक्कत है उनको, हेल्थ हेल्थ की समस्या है उनको, बताइए। आम आदमी पार्टी की, अच्छा कि इनको इनके मंत्रियों को अपना दर्द दिखाई देता है, जनता का दर्द नहीं दिखाई देता। अच्छा ठीक है। और अपने दर्द के उपचार के लिए इनके मंत्रियों को जेल में भी मसाज पार्लर खोल के बैठ जाते हैं। अच्छा। जेल के अंदर भी। अच्छा। और जो एक महाठग था उसको भी ठगने का काम करते हैं, और अच्छा। वो जेल को चिट्ठी लिखता है एलजी को वहां पर कि हमारे साथ इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतना पैसा हमसे ले लिया गया। अच्छा। तो दरअसल क्या है कि आम आदमी पार्टी जो बात तो इन्होंने कही ना जी कि मनोहर कहानियां, तो मनोहर कहानियां सुनाने के साथ साथ सब्ज बाग भी दिखाते हैं। अच्छा। और उसका लाइव प्रसारण भी करते हैं। ठीक है। कि खुद ही मसाज कराते हैं, खुद ही प्रसारण करवाते हैं। अच्छा। कि नहीं अगर हम जेल से बाहर आ गए तो मदद करवाएंगे, तो आप सब लोगों को ऐसे ही पार्लर आप सब लोगों को मिलेंगे जगह जगह खुले हुए। अच्छा मुफ्त में। तो वो अपना प्रचार, अरे कैसे मुफ्त में मिलेंगे, मुफ्त में? हाँ मुफ्त में। अच्छा ठीक है, मुफ्त में। ताकि मैं सुन रहे हैं मुफ्त में जी, जैसे जेल के अंदर मुफ्त में सारी की सारी सुख सुविधा उनको मिल रही है। अच्छा। और ये जो फ्री वाटर बांट रहे हैं ना 22,000 लीटर, ये 22,000 लीटर आपको 22,000 बोतलें पड़ने मिलेंगी। अच्छा। बाहर आने के बाद में। अच्छा। तो लेकिन अब क्या है, मजबूरी ये है कि इनके एक एक मंत्री करके जेल में जा रहे हैं। अच्छा। न्यायालय की शरण में जा रहे हैं, न्यायालय भी जमानत भी नहीं दे रहा है। अच्छा। और ये भी कह रहे हैं सारे के सारे आरोप फर्जी है। अच्छा। पंजाब में भी इनके मंत्री जो थे उनको भी इस्तीफा देना पड़ा, और अभी इतनी जल्दी इस्तीफा उनको देना पड़ा। दिल्ली के मंत्री एक एक करके जेल में जा रहे हैं, कितने विधायक इनके जेल जा चुके हैं, और तमाम सारे फोटो वायरल और तमाम सारी चीजें इसके पहले भी वायरल हुई। ठीक है। तो कुल मिला करके देखिए ये न्यायालय का विषय है, और जो ये आरोप लगाते हैं कि ये न्यायालय विषय कहाँ पर है भाई, आप मसाज हो रही है जी। फर्जी उसका नहीं कह रहा हूँ मैं, जो कह रहे हैं फर्जी भेज दिया जेल में। अच्छा। उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा। कि अगर फर्जी भेज दिया था तो आप न्यायालय की शरण में गए, जरा जरा सी बात पे केजरीवाल जी न्यायालय की शरण में जाते हैं। अच्छा। वो उच्च न्यायालय, न्यायालय का बड़ा सम्मान करते हैं, न्यायालय की बात करते हैं, लेकिन उनको अपने मंत्रियों को अभी तक बाहर नहीं निकाल पाए। और एक चीज है कि ये कहते कुछ है करते कुछ है, वास्तव में केजरीवाल जी कहते सिक्योरिटी नहीं, हाँ नहीं वो कहते थे घर नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, ये नहीं कैसे भाई करते कुछ है देखते कुछ है, तब भी सरकार बना ली पंजाब में भी, कैसे कर लिया भाई करिश्मा कैसे कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पंजाब में भी सरकार बनी है, ठीक है जी, बधाई हो, हमने तो तभी बधाई दी थी जब इनकी सरकार बनी थी। अच्छा। 5 राज्यों में चुनाव होते हैं, 4 राज्यों में हमारी सरकार बनती है, एक राज्य में कांग्रेस की थी, कांग्रेस वो भी धो देती है। अच्छा। और आम आदमी पार्टी सरकार बन जाती है जी। तो जनता वहाँ परिवर्तन चाह रही थी, जनता ने वहाँ पे कांग्रेस को हटा करके इनको चुना, अच्छी बात है, लेकिन ये हिमाचल में प्रचार करने जाते वहाँ से केजरीवाल जी क्यों भाग आते हैं हिमाचल में जाने के बाद में, और जो कहते थे कि हम 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम आवास नहीं लेंगे, लेकिन जिस प्रकार से शराब घोटाला सामने आया ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, स्वास्थ्य घोटाला सामने आया वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, और एक चीज उभर करके सामने आ रही है कि 20 करोड़ रुपया केजरीवाल जी के सरकारी मकान में मेंटेनेंस में खर्चा हो गया। अच्छा। 20 करोड़ रुपया। अच्छा। और 36 करोड़ रुपए इन्होंने 2 महीने के अंदर प्रचार प्रसार में गुजरात में खर्चा कर दिया। अच्छा। चलिए जहाँ सरकारें हैं वहां तो चलिए सरकारी बजट है, आप उसको खर्च कर रहे हैं, 36 करोड़ रुपया गुजरात के प्रचार प्रसार में 2 महीने के अंदर, ये केवल पेपर का। तो तकी कहते रहे कि हम सरकार बना रहे गुजरात में, तकी कहते रहे हम सरकार बना रहे गुजरात में, आपको देखिए प्रचार प्रसार से सरकारें नहीं बन जाती है। अच्छा। सरकारें बनाने के लिए जी जो है दिन रात एक करना पड़ता है। अच्छा, और एक जगह आप प्रचार करने जाए वापस घर भाग आए, जैसे आप हिमाचल में गए फिर वहां से भाग आए। और एक चीज है, और एक चीज है गौरव जी, कि जितना झूठ था वो तो सामने आ गया ना जी, इनके कितने मंत्री जेल जा चुके हैं भाई, किससे छुपा हुआ है चीजें भाई, बिना भ्रष्टाचार के, बिना घोटाले के, बिना जांच के, अभी जवाब लेता हूं आपसे, आज तक उनको बाहर भी नहीं ला पाए। ठीक है ठीक है ठीक है। और एक चीज है कि स्कूल कॉलेज की बात करते हैं जी, और स्कूल कॉलेज पानी को लेकर के दिल्ली के लोग ही रो रहे हैं। अच्छा। कहते एक भी स्कूल नहीं खुला, ठीक है, एक भी
अस्पताल नहीं खुला नया जी। और वो ये भी कहते जहाँ पानी दे रहे जी गंदा पानी आ रहा है। अच्छा। शिकायत करने जाइए तो कहते फ्री पानी दे रहे, जैसा आ रहा है लीजिए। पानी तो है गंदा ही, क्या दिक्कत है, पानी तो है। पैसा देकर के आप टैंकर मंगवा लीजिए, ये सब ये जवाब मिलता है। अच्छा। मैंने कई सारे टीवी चैनलों पे आम जनता की आवाज वहाँ पर सुनी और देखा, ठीक है, कि वहाँ पर ये जवाब मिलता है शिकायत करने जाते हैं। का आने वाला पता चलेगा चीजें क्या है। शिकायत करने जाते हैं तो कहते हैं कि आप पानी का टैंकर मंगवा लीजिए ना। अच्छा। अच्छा पानी के लिए। अच्छा ठीक है, ठीक पानी वही तो हम आपको देंगे। ठीक है किसी भाई, ठीक है ठीक है। प्रदीप भाई कांग्रेस, मैं अभी लेता हूँ आपकी बात, अभी बात लेता हूँ, अभी लेता हूँ। प्रदीप भाई, राहुल गांधी भाई भारत जोड़ो यात्रा को रोक कर चले गए हैं गुजरात में, सूरत राजकोट में रैली की। कहा जा रहा था कि राहुल गांधी यहाँ गुजरात नहीं आई क्योंकि वहाँ पर स्थिति खराब है और कांग्रेस वहाँ पर जो है जीतने जा नहीं रही है, कोई परिवर्तन वहाँ होने वाला नहीं है, भाजपा पुनः जो है परंपरा को कायम रखेगी। कैसे देखते हैं यहाँ पर भैया, यहाँ पर आप देखिए गुजरात के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही थी कि कांग्रेस नहीं जीतने जा रही तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी कहेगी जी। और अगर आप वहाँ की जनता से पूछेंगे धरातल पे जा करके जो काम किया है गुजरात, 27 साल का मॉडल बताते हैं, अगर आप देखेंगे तो आज भी लोग बेहाल हैं, वहाँ पे रोजगार की कमी आज भी है। प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र कहिए, काफ़ी समय तक वो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भी गुजरात की जनता अगर आज आज बेहाल है तो उसका पूरा का पूरा दोष अगर देखेंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी के सर जाएगा। और आप कहीं से भी नकार नहीं सकते हैं कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी वहाँ पे सशक्त रूप में काम की है पिछले कई सालों से। और राहुल गांधी जी गए हैं तो चुनाव है, निश्चित ही है। अभी यात्रा चल रही थी जिस तरीके से भारत को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले कई विगत वर्षों में किया गया, वो अलग अलग रूप में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से भारत को तोड़ने का काम किया जाता है। उसको भारतीय जनता पार्टी के उस विरोध करने के कहिए या आप कहिए भारत को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी पद यात्रा पे निकलते हैं, उसमें भी तरह तरह के आक्षेप और उनका मजाक उड़ाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मगर उसका परिणाम ये होता है कि इस देश की जनता जो वाकई में चाहती है कि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका मिल करके रहे, यहाँ पे तोड़ने का काम ना हो, वो राहुल गांधी को बहुत बड़े रूप में सहयोग करती है और सपोर्ट करती है। आप देखेंगे, मेरे दो सवाल रहेंगे आपसे। एक तो आपने कहा कि वहाँ जनता बेहाल है, जनता बेहाल है 27 साल से क्यों राज करवा रही बीजेपी, एक सवाल। दूसरा सवाल मेरा है कि राहुल गांधी अगर वास्तव में वहाँ पर चाह रहे थे कुछ बदलाव हो तो अपनी यात्रा को उन्होंने उस तरफ क्यों नहीं मोड़ा, गुजरात से भी यात्रा निकाल लेते तो कुछ बेहतर परिणाम सामने आ जाते हैं। दो सवाल रहेंगे मेरे जी। देखिए आप दो सवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने यात्रा क्यों गुजरात की तरफ नहीं मोड़ी, क्यों वो बीच में पहले नहीं चले गए। देखिए ये पूरा डेकोरम है पार्टी का, पूरा तय करती है कि कब कौन प्रचार करने जाएगा, उस हिसाब से जाती है पार्टी प्रचार करने के लिए। राहुल गांधी जी को आज का डेट जो था उस मिला हुआ था वहाँ पे, उस डेट में गए हैं वो वहाँ पे प्रचार करने के लिए। राहुल गांधी जी इस समय हमारे कांग्रेस पार्टी के कोई अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष चेंज हो गए हैं, जो इलेक्शन की वर्किंग कमेटी है जो उस डिसाइड करती है, उस हिसाब से सारे प्रोग्राम सारे नेताओं के तय होते हैं। ठीक है जी। तो पर 27 साल में जो आप कह रहे हैं ना कि वहाँ बेहाल है तो कैसे सरकार बना लेती बीजेपी बार बार। बिल्कुल देखिए लंबे समय तक की क्या होता है कि अगर आपने कोई चोला ओढ़ रखा है। अच्छा चोला ओढ़ लिया। जी हाँ बिल्कुल, चोला ओढ़ रखा है, भ्रमित चोला ओढ़ रखा आप लोग भैया, भ्रमित करने के लिए चोला ओढ़ रखा है, उस चोले को हटाने के लिए समय जरूर लगा, समय लगा और इस बार आपको परिवर्तन दिखाई देगा, इस बार आपको परिवर्तन दिखेगा। क्योंकि इन्होंने कह रहे हैं ना रोजगार रोजगार रोजगार, अगर इन्होंने रोजगार दिया होता तो पंजाब में इनकी सरकार कम से कम रिपीट की होती। अच्छा। चलिए और जगहों पे सरकार नहीं थी लेकिन जहाँ पे सरकार थी वहां भी ये सरकार नहीं बचा पाए। अच्छा। पांच राज्यों में चुनाव हुए, शून्य पे आउट हो गए। अच्छा। और अभी भी कह रहे हैं रोजगार नहीं है जी। अरे गुजरात, अरे आपके प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार का प्रतिवर्ष वादा किया था और संसद में ही देते 0.5% कंप्लीट किया है उन्होंने, डेटा जो दिया था उसके हिसाब से। तो आप क्या बात कर रहे हैं रोजगार की, आपके हिसाब से तो रोजगार पकौड़े तलना रोजगार है। फिर आप, भाई आप रोजगार को अपने हिसाब से कैटेगरी में तोलेंगे। अमित शाह जी का लड़का, अमित शाह जी का लड़का बिना डिग्री के जाएगा उसको रोजगार आप अलग कैटेगरी का देंगे, और भारत के देश की जनता को जो गरीब पढ़ लिख कर भाई आप कितनी सीटें कांग्रेस की, नहीं सीटों से अगर आप आकलन करेंगे सीटें क्या मतलब भाई, पार्टी बढ़िया भाई इसका मतलब भारतता है कांग्रेस का। नहीं 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 आप सीटों से कोई मतलब नहीं है ना, ख्याली पुलाव पकाते रहिए मन में, ख्याली पुलाव पकाते रहिए मन में
ये जो आप आपके नेता और आपके गृहमंत्री ने पहले कह रखा कि हम तो जुमले देते हैं, जुमले देने में आप लोग उस्ताद हैं, जुमले देने में आप लोग उस्ताद हैं। जाहिर सी बात है, कुछ समय तक आप लोगों ने पर्दा डाल रखा था, पर्दा वो हट रहा है और आपको उसका परिणाम दिखाई देगा, आपको उसका परिणाम दिखाई देगा, आपको परिणाम जरूर दिखेगा उसका। मेहनत करने हर कुछ अधिकार है भाई, संविधान का अधिकार है। अगर राहुल गांधी जा रहे क्या दिक्कत है जी? उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आई कांग्रेस की, तो आप कहते सीटों से मेरा कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, प्रदेश की जनता के लिए आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश की जनता ने वादा किया था, आपने उत्तर प्रदेश की जनता से वादा किया था, किसानों से वादा किया था, इसका जवाब जनता। अरे अभी 2022 में आपने वादा करके आए हैं, केवल बातें बनाने से, झूठ बोलने से परहेज करने से नहीं होगा। कितने गन्ना किसानों का भुगतान की पार्टियां कर दिया आपने, बताइए ना, देश का कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई 2017 में? आप आए थे 6 महीने में गड्ढा मुक्त कर रहे थे। आप ये बताइए, कांग्रेस की सीटें तो नहीं आई, आपको जनता ने सीटें दी तो क्या गड्ढा मुक्त हो गया प्रदेश? बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है यहाँ पे, आपके प्रदेश में, राजधानी में सरे आम बलात्कार होता है राजधानी में, और उत्तर प्रदेश के मुखिया पिकनिक मना रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया गुजरात में पिकनिक मना रहे हैं, और यहाँ पे डेंगू से आए दिन कितनी मौतें हो रही हैं। अरे उनको देखना चाहिए कैसे फॉगिंग के छिड़काव के नाम पे आप भ्रष्टाचार करते हैं, और उस पे संज्ञान लेने के लिए मुखिया यहाँ है नहीं, उस पे एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लोग दिए जा रहे हैं, कौन संज्ञान लेगा? मुखिया तो बाहर पिकनिक मनाने गए हुए हैं। अरे क्या पिकनिक, कौन पिकनिक गया भाई? किसी भाई कौन पिकनिक मनाने गया भाई? इस तरह बातें कर रहे हैं प्रदीप। देखिए चक्कर ये है ना, देखो पिकनिक मनाने चला कि प्रियंका गांधी जी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पिकनिक मनाने आई थी, अच्छा ठीक है, राहुल गांधी जी पिकनिक मनाने आए थे, अच्छा, और जो एक चुनाव हारे वो वायनाड भाग गए, अच्छा, तो ये कांग्रेस एक भगौड़ा पार्टी है। अपना बताइए ना, कहाँ मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं, बताइए ना, बताइए ना, भगौड़े तो भगौड़े की बात ना करिए, किस तरीके से गुजरात से तड़ी पार कर दिया जाता है, बताइए भगौड़ा वो, उसके बारे में बताइए ना, तड़ी पार जी के बारे में बता दीजिए थोड़ा, उसके बारे में बताइए कैसे तड़ी पार कर दिए जाते हैं, बताइए तड़ी पार कैसे कर दिए जाते हैं, अरे बता दीजिए भाई क्यों तड़ी पार किए गए, उनके बारे में बता दीजिए। कांग्रेस की देन थी, हाँ कांग्रेस की देन थी, किस तरीके से एक जज की हत्या कर दी जाती है, आपने कानून का दुरुपयोग जितना भाजपा के शासनकाल में हुआ, ये आप एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि कानून का किस तरीके से मखौल उड़ाया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी साक्षात उदाहरण दे रही है उसका। देखिए आप न्यायालय के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, अरे भाई आपको लगता है कि न्यायालय को जैसे आपने जिस तरीके से आपने दुरुपयोग किया, आपको लगता है दूसरी पार्टियां भी दुरुपयोग कर रही हैं। आज जो है अमित शाह जी पूर्ण रूप से बरी है, अच्छा। और कांग्रेस ने उनको फंसाने का प्रयास किया, कांग्रेस ने उनको जेल भी भेजा, कांग्रेस से एक जज की हत्या हो जाती है और कांग्रेस फैसला देने से पूर्व। अरे भाई आप क्या बातें कर रहे हैं, आप ये राहुल गांधी जी का मुंह काला हो गया, सोनिया गांधी जी का मुंह काला हो गया, इस तरह ये मर्यादा बरी हो गए भाई, इस तरह बस बरी हो गए, नहीं बरी हो गए, इस तरह भाषा, अगर बरी हो गए तो फर्जी मुकदमा, इस तरह भाषा नहीं भाई, इस तरह फर्जी मुकदमा था, इस तरह भाषा नहीं, आपका काला, इस तरह भाषा नहीं भाई, पूरी पार्टी का मुंह काला हो गया, किसी भाई इस तरह भाषा नहीं, किस तरह देखिए आप, नहीं तो तड़ी पार आप बहुत सारे लोगों का मुंह काला करते रहते हैं, मुंह तो काला हो ही गया काला, अरे भाई मुंह काला, अरे जब आप जैसे आप भारतीय जनता पार्टी जब जजों की हत्या करवा देगी कि कहीं उनके विरुद्ध फैसला ना आ जाए, आपने किसी भी संवैधानिक संस्था को छोड़ा है आज की डेट में स्वतंत्र, कोई भी संवैधानिक संस्था आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के चंगुल से फंसी हुई है, आजाद नहीं है। आपको याद है मनमोहन सिंह जी को सोचे एक सरदार को हम प्रधानमंत्री बना देंगे तो जितने सिख हैं ये 84 का दंगा भूल जाएंगे, परिणाम क्या हुआ, पंजाब में परिणाम मिल गया, क्या हुआ, जनता ने आपको नकार दिया, तिरस्कार कर दिया, आपको हटा दिया, फिर से हटा दिया, ठीक है, पांच राज्यों में चुनाव हुए, पांचों में शून्य पे आउट हो गए, अच्छा। फिर आप कहते हैं हम तो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, अच्छा। अरे जनता आपको जिता कहा रही जो आप जीतने के लिए लड़ते हैं, आपको कहीं पे एक सीट मिलती है, कहीं पांच सीट मिलती है, कहीं वो भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो जनता का उत्तर प्रदेश के साथ इस देश में 10 वर्ष तक कांग्रेस ने शासन किया है और इस जनता का प्यार मिला है कांग्रेस को, आपके भ्रम जाल में आकर के आपके झूठे जुमलों में फंस करके जनता ने जरूर आपको कुछ समय तक सत्ता का सुख दिया है, मगर जब आप वादे पूरे नहीं करेंगे यही जनता आपको यहाँ से भगाएगी, यही जनता आपको यहाँ से भगाने का काम करेगी। नहीं नहीं गौरव जी से ये पूछिए कि अगर इनके जो दोस्त थे जिनको ये तड़ी पार कह रहे हैं, आज वो देश के गृह मंत्री है, तड़ी पार का आदेश किसने दिया, आपने कराया, मुकदमा आपने दर्ज कराया, आपकी तरीके से हमने कराया, सही कह रहे हैं, न्यायालय ने बरी किया, आप कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने कभी दुरुपयोग नहीं।
किया, जिस तरीके से आप कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जी। तो कैसी भाई बता दीजिए, कैसी भाई, कैसी भाई अगले मेहमान को भी लेना है। एक चीज मेरे को आखिर बता दीजिए जाते जाते कि कांग्रेस आपको गुजरात में टक्कर दे नहीं रही है, तो ये हमारी पार्टी आपको टक्कर देगी गुजरात में? विपक्ष क्या है? देखिए टक्कर में कोई नहीं है, जो टक्कर की बात हो रही है ना आम आदमी पार्टी है वहां पर जी, और ना ही कांग्रेस वहां पर है। ठीक है, जिस प्रकार से खाता तक नहीं खुला, जीत रहे उत्तर प्रदेश में क्या खाता खुला? आम आदमी पार्टी का नहीं खुला खाता, नहीं खुला। ठीक है, कांग्रेस को एक सीट मिली जी, तो उत्तर प्रदेश का परिणाम देख लीजिए ना, और यहाँ भी सरकार रिपीट हुई जी, तो गुजरात में फिर से जीतने जा रहे हैं, सरकार फिर से हमारी दोबारा बनने वाली है। ठीक है, ठीक, दोबारा क्या, हम लंबे समय से एक बार फिर से सरकार बनने वाली है वहाँ पर, क्योंकि जनता के लिए हमने काम किया और जनता संतुष्ट है हमारे कामों से। लगातार इनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ता है, नकारा मुख्यमंत्री बदलने पड़ते हैं लगातार। अरे भाई आप चले जा रहे हैं, बताइए क्यों बदले आपने? राहुल गांधी जी और प्रियंका, ठीक है, साबित हुई, ठीक है, हो गया, पांच प्रदेशों में चुनाव हुए, एक प्रदेश पूरी ताकत लगा आपके कहना नहीं चाहिए, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बाकी मेहमान भी, बाकी मेहमान भी, बाकी मेहमान भी, ठीक है, बाकी मेहमान भी, 18000 करोड़ के प्लेन में उड़ेंगे, बाकी मेहमान भी, देश की जनता को ट्रेन में चलने का वादा, ठीक है, ठीक है, बाकी मेहमान भी, काम किया होता कम से कम 50, ठीक है, ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया, लेकिन आपने काम नहीं किया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताया, और आपने भी मुख्यमंत्री बने, ठीक है, झूठे वादे करके आते हैं, दूसरों को सलाह दे रहे हैं ना, रविन भाई, अरे रिजल्ट भी आ जाएगा, चल जाएगा, बाकी मेहमान भी है, रविन डिबेट में कोई बैठेगा नहीं कांग्रेस से, ठीक है, चुनाव के बाद, चुनाव के बाद परिणाम पक्ष में आए या विपक्ष में आए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ, गौरव भाई भी है, इसके पहले कवर किया भी है, ये परिणाम हमारा उत्तर प्रदेश का हमारे पक्ष में नहीं आया, और मैं भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों के विरुद्ध यहाँ बैठा रहा, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी कांग्रेस पार्टी है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है जनता, नहीं था भाई आप बता दीजिए ना, हो गया हो गया, आपने छाने में रख दिए, आप टाइम पे टाइम पर पूरा पांच घंटे का जाल आपने बता दिया, और आपने ये गड्ढे नहीं भर पाए, आप नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, आप सड़कों को देख लीजिए, ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं चलता कि गड्ढों में सड़क गया, कैसी भाई, कैसी भाई, कांग्रेस में गांधी परिवार की सड़क में सड़क है, ये परिवर्तन आ गया है, बताइए ना, गांधी तय करेगा सड़क है, सड़क तय करेगी, सत्ता में कौन हो गया, कांग्रेस के लिए काम कर रहा है जनता, तय हो गया, कैसे हो गया, ये गांधी परिवार नहीं तय करेगा भाई, जनता ही तय करेगी, सपा से आप है यहाँ पर, आम आदमी पार्टी 10 दिन में सम्मेलन कराने जा रही है, 800 सम्मेलन शुरुआत हो चुकी है, और सपा तो फिलहाल अभी मैनपुरी और खतौली रामपुर में बिजी है, कैसे देखते हैं आप गुजरात में, तो आप जा नहीं रहे लड़ने के लिए वो अलग बात है, पर कैसे देखते हैं आप निकाय चुनाव, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और बीजेपी में लगातार संगठन दौर की बैठक चल रही है, और अभी आपके उपचुनाव में आप बिजी चल रहे हैं, निकाय चुनाव कैसे तैयारी करेंगे? आम आदमी पार्टी पूरी मेहनत के साथ समय कमर कस के बैठी हुई है बीजेपी को यहाँ पर चुनौती देने के लिए। प्रथम तो स्वागत है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि प्रजातांत्रिक देश है जी। कोई भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकता है और अपनी जितना जितना उसका सामर्थ्य होगा उसको करना चाहिए, सभी को करना चाहिए जी। अगली बात कहने से पहले जी। मैं केसी जैन जी से अपेक्षा करूंगा कि सभ्यता का परिचय देते हुए बीच में नमस्कार, सभ्यता का परिचय देंगे। अब दूसरा विषय है जी, आपने स्थानीय निकाय की बात की जी, स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रजातांत्रिक विरोधी चेहरा सामने आ जाता है। अच्छा, क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव आमतौर में उत्तर प्रदेश में जी जून जुलाई में हो जाया करते थे जी, इनकी सरकार जब 2017 में बनती है जी तो इस चुनाव को ये नवंबर में करा देते हैं। ठीक है, अब चुनाव जो नवंबर में हो जाने चाहिए थे जी, अब ये चुनाव का जो अंतिम समय सीमा है 8 जनवरी तक हो जाना चाहिए जी, लेकिन आज तक ये परिसीमन नहीं कर पाए जी, और अभी शीतकालीन सत्र की शुरुआत की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अभी इसको और खींचेंगे जी, तो इसका मतलब ये चाहते ही नहीं है जी कि यहाँ पर समय से कोई भी चुनाव हो पाए। ठीक है, और चुनाव को करें। अब आप दूसरा विषय कहा कि आपने
कि आप चुनाव की तैयारी क्या कर रहे हैं, अगर आप उपचुनाव में व्यस्त हैं जी, तो उपचुनाव चल रहा है, हम ही नहीं व्यस्त हैं जी, क्यों दो ही पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, बाकी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं। अच्छा, तो दो पार्टियां दोनों व्यस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी भी व्यस्त है, हम भी व्यस्त हैं। ठीक है, हमारी रही बात कि हमने क्या किया है जी, तो हम बूथ स्तर के जो हमारी राजनीति है जी, कांग्रेस के समय से ही बूथ स्तर की है, जिसका उदाहरण मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र है। मैनपुरी लोकसभा 1952 में पहला चुनाव हुआ, कांग्रेस जीती, दूसरा चुनाव हुआ, हम जीते, प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी जीतने का आधार हमारा ये था कि हम लगातार बूथों पे ही काम करते हुए आते हैं, ना तो झूठे वादे करते हैं, ना जनता का 1,000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं प्रचार में हर साल। अच्छा ठीक है, यह काम नहीं करते हैं जी, बूथों पे ही काम करते हैं जी। तो मैनपुरी लोकसभा अपने में ही उदाहरण है कि हम दूसरे चुनाव से जिस समय कांग्रेस को चुनौती दे पाना पूरे विश्व में माना जाता संभव नहीं था, तब से हम बूथों पे काम करते हुए चले आए हैं। अब हम पिछले जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए उसकी बात भी बता दें, हमारी स्थितियां खराब हो गई थी जी। हम 214 सीट से 47 पे चले गए थे, 22% वोट ही हमको मिले थे जी। लेकिन उस समय जो निकाय चुनाव हुए थे लगभग 6 महीने के बावजूद जी, हम नगर निगमों में कभी भी सक्रिय नहीं रहे, और ये माना जाता है नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की है। अच्छा, हमारी सीटें एक भी नहीं थी। आप स्वीकार लिए? स्वीकार नहीं था, ये परिणाम ही था, इसे स्वीकारने का विषय नहीं है। अच्छा, ये परिणाम ही ऐसा था कि नगर निगम जीरो था हमारा। अच्छा, ठीक है। फिर आते हैं नगर पालिकाओं में जी। नगर पालिकाओं में हमने उनको जो टक्कर दिया था भारतीय जनता पार्टी को, जबकि हमारा वोट लगभग आधा था, हमारा 22% था, उनका लगभग 40% था, हमने उनको टक्कर दिया नगर पालिका में, और नगर पालिका में हमारे 477 पार्षद आए। ठीक। फिर हम बढ़ गए नगर पंचायतों की तरफ, हमारे 453 पार्षद आए। ठीक। अगर अध्यक्षों की तरफ जाते हैं तो नगर पालिकाओं में हमारे 45 अध्यक्ष आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 70 अध्यक्ष आते हैं। ठीक। अगर नगर पंचायत में जाते हैं तो हमारे 83 अध्यक्ष आते हैं और उनके 100 अध्यक्ष आते हैं। हमने तब टक्कर दिया था जब हमारी वोट परसेंटेज बहुत कम थी। ठीक है। और हम हर बूथों पे काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया है कि भाजपा के उत्पीड़न के शिकार जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं सबको 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा, और दिया गया है। अच्छा ठीक है। और अभी लिस्ट बनी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव हमारा आजमगढ़ में हुआ उसमें ज्यादातर कार्यकर्ताओं को पकड़ में जेल में बंद कर दिया। कैसे भाई, क्यों जेल बंद करते भाई आप लोग? अभी बात सुन लीजिए, बता देंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। अभी मुझे लगता है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अभी हमारी बात सुन लीजिए। कैसे जी, आप सुन लीजिए, आप बोल लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा, चुप रहिए, आप बात मत करिए, सुन लीजिए पहली बात, जितना आपको पूरा समय मिलेगा आप बोल लीजिएगा, फिर उसके बाद यही घटना आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप बोल लीजिएगा। उसके बाद यही घटना इन्होंने गोला में किया। जो भी उत्पीड़न के शिकार हुए हैं उनको हम लोग देंगे। अब हम पूछते हैं केसी भाई से, जब इनका जब टर्न आएगा तो जवाब दे देंगे। जवाब लेंगे। अभी 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 नगर निकायों की जो हालत है वो सुन लीजिए, पूरा टाइम है, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, आप अपने डेवलपमेंट की बात सुनिए, बीच में हल्ला मचा के आप मुद्दों को, जनता के मुद्दों को नहीं भटका सकते हैं। ये आप लोगों को एक प्रशिक्षण दिया जाता है। आप सुनिए, मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, नगर निगम पेयजल योजना के अंतर्गत 5,456 करोड़ रुपए आए थे, हैं कहाँ पर वो, ये कहाँ पर हैं? फिर आया था कि नगर पंचायतों की बिल्डिंग बनी थी, कितनी बिल्डिंग बनी नगर पंचायतों की? ठीक है। फिर आदर्श नगर पालिका बनाने के लिए 215 करोड़ रुपए आए थे, कितनी आदर्श नगर पालिकाएं बनी? अब नए नगर पालिकाओं के लिए 550 करोड़ रुपए आए थे, कहाँ गए? अब इनकी परफॉर्मेंस सुनिए, जो नीति आयोग बताती है कि नीति आयोग ने क्या किया। नीति आयोग का टीम पिछले साल आई थी यहाँ पे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक किया था, अधिकारियों को बुलाया था कि आप लोग अपने लक्ष्य को पूरा करिए। अच्छा। जरा उस लक्ष्य के बारे में सुन लीजिए, जो चालू वित्तीय वर्ष है 22-23, चालू वित्तीय वर्ष के 6 महीने में केवल 32% खर्चा कर पाए हैं, जो लगभग 65 लाख करोड़ रुपए लक्ष्य था, उसका 32% खर्च कर पाए हैं। ये नकारापन है इनका, और ये हम नहीं कह रहे, नीति आयोग कह रहा है। ठीक है।
कि 32% खर्च कर पाए हैं। जवाब ले लो, फिर एक मिनट सुन लीजिए, पहले जवाब बाद में ले लीजिए, पहले आंकड़े पूरे हो जाने दीजिए, आप सारे जवाब एक साथ ले लीजिएगा। फिर दूसरा विषय है नीति, घंटे आपके आपकी तरह हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ना हमने किया था जैसे आपने कांग्रेस के बारे में किया था, जो जो विषय था आप हस्तक्षेप कर, आप लोगों को परीक्षण दिया जाता है हस्तक्षेप करने का, आप अपने नकारापन को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो हस्तक्षेप करेंगे। आप सुनिए, जब नीति आयोग ने जो गलत तरीका आप कह लीजिएगा, जब आपकी बारी आएगी नीति आयोग ने एक लिस्ट बनाई सस्टेनेबल गोल्ड डेवलपमेंट, उसको आप बोलिए बताया जाता है, एसडीडी में उसने 10 अच्छे शहर बनाए। अरे सुनिए बात सुनिए, 10 अच्छे शहर, 10 अच्छे शहर गए, 10 अच्छे 10 खराब शहरों को बनाया लिस्ट। उस 10 अच्छे शहर में उत्तर प्रदेश का एक भी शहर नहीं है, ये नीति आयोग की लिस्ट है। और 10 खराब शहरों में 2 शहर आगरा और मेरठ है। तो ये बताएं कर क्या रहे हैं ये लोग, उतर जितने ठीक पैसा मैंने गिनाया वो पैसा कहाँ चला गया? ठीक है, और इन खराब शहरों में क्यों इनका लिस्ट है? तो हम तैयारी कर रहे हैं, हम जीतेंगे, भारी बहुमत से नगर निकाय में जीतेंगे, कितना भी ये टाल लेंगे। आमिर भाई, भाई कैसे देखते हैं यहाँ पर, तो मसाज से लेके और सम्मेलन से लेके अब यहाँ पर मामला आ गया सपा और भाजपा के रूप में, पहले कांग्रेस के रूप में और भाजपा के बीच में था। नहीं गौरव जी, आपने जवाब नहीं, अभी कैसे जवाब लेता हूँ, ये 20 मिनट से भाषण दे रहे हैं। अरे जवाब भाषण का कैसी भाई, मेरे भाषण की चिंता मत, मेरे भाषण की चिंता मत करिए, आपके आंकड़े हैं, मेरे भाषण की चिंता नहीं है, आपके आपके आंकड़े हैं। आप क्यों बोल रहे हैं, तो भाषण जैसे शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है चैनल पे भाषण नहीं दिया जाता है? आपकी पार्टी ने नहीं बोला है कि चैनल पे भाषण नहीं दिया जाता है? इंटरप्ट मत करना, आपकी पार्टी ने सिखाया कि चैनल पे भाषण नहीं दिया जाता है। और अगर आप आपके शब्दों के चैन आप लोगों को नहीं मालूम है तो भाषण दिया जाता है मंच पे चढ़ के। आमिर भाई कैसे देखते हैं यहाँ पर, इसको आपने चुनावी मंच बना रखा है, 20 मिनट से भाषण दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, भाषण नहीं दिया जाता है आपको, फिर मैं बता रहा हूँ ये भाषण का स्थान नहीं है, ये आपको आपको आईना दिखाने का स्थान है। चुप बैठिए, आप बैठे हैं, आप चुप बैठे हैं, आप लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। और आप ये समझिए, आप ये समझिए कि हम कांग्रेस के नहीं है कि आप बीच में टोका टोकी कर लेंगे, हम समाजवादी के पार्ट करता है। अगर आप अगर आपको लगना है गुंडा करेंगे, समाजवादी मतलब गुंडा पार्टी, इसका मतलब गुंडा पार्टी, गुंडा आपकी गुंडा पार्टी के बारे में तो अभी कांग्रेस ने, आपकी गुंडा पार्टी के बारे में तो कांग्रेस ने बता ही दिया है, आपने कांग्रेस ने बता ही दिया है कि आप क्या हैं। अब दूसरा पार्टी सुन लीजिए, अभी आप कांग्रेस कांग्रेस पे हार हार का आरोप लगा रहे थे ना, कांग्रेस पे हार का आरोप लगा रहे थे ना, 1952 से लेके 1984 तक आप जीत के लिए तरसते रहे, कांग्रेस ने कांग्रेस आपका जवाब नहीं दे पाई, छाती पीटते रह गए। और चार चुनाव कांग्रेस आगे रही बात गुंडों की, तो आपके गुंडा आपके गुंडागर्दी का चरित्र, आपके जनप्रतिनिधियों का गुंडे गुंडा का चरित्र दिखाई पड़ रहा है। आपके लखीमपुर में लखीमपुर में दिखाई पड़ा, लखीमपुर में किसी ने गुंडागर्दी की ये दिखाई पड़ा। हो गया भाई, हो गया, ठीक है। और इसलिए आपके गुंडागर्दी में अगर ये अगर इनको यही सिखाया गया है, और मैंने कैसी भाई जवाब लूंगा अभी आपसे, आप बचा रहे हैं भाई, बोलिए आप क्या बचाएंगे, आप अपने उपगृह मंत्री को, आप अपने उपगृह मंत्री को सुप्रीम कोर्ट से बचा लीजिए, आप अपने उपगृह मंत्री को सुप्रीम कोर्ट से बचा लीजिए, उसके गुंडा बेचे को बचा लीजिए। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, अगर ये हस्तक्षेप करेंगे तो ऐसा ही होगा, हस्तक्षेप सब व्यक्ति के साथ में, नहीं तो गुंडों को, नहीं तो अपने अपने गुंडा मंत्री को, गुंडा बेटे को जाकर, हो गया हो गया, अगर आपने गुंडों को बचा लिया है, जब आपका भाषण ऐसे होगा तब तो मैं बोलूंगा, जाइए ना सुप्रीम कोर्ट में अपने गुंडा बेटे को बचाने के लिए। चिल्लाने का फायदा क्या भाई, बाकी मेहमान भी है भाई। अमर भाई बोलिए, आप आप जब असभ्यता का प्रयोग करेंगे तो सामना करना पड़ेगा, सुनते रहिए, ये लगातार बोल रहे हैं, ठीक है। अमर भाई बोलिए, ये मानसिक दिवालिया पर है, मानसिक दिवालिया पर आपका सामने दिखाई पड़ रहा है, मानसिक दिवालिया पर इसका जवाब नहीं है, तो मानसिक दिवालिया पर आपका दिखाई पड़ रहा है, मानसिक दिवालिया पर जो आंकड़े डिबेट खराब मत करिए।
लिए जा रहे हैं ये अरे ये बदतमीजी का शब्द प्रयोग करेंगे मानसिक दिवालियेपन का ये सिखाया गया इन लोगों को ये सभ्यता है इनकी देखिए नूरा कुश्ती जो है ये बहुत आज की नहीं है इन लोगों की सपा भाजपा की देखिए रामपुर में हुई आजमगढ़ में हुई गोला गोकरनाथ में हो गई मैनपुरी में हो रही खैर हम इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे आपका मुद्दा है मसाज और मैं इसी टॉपिक पे आ रहा हूँ देखिए मसला ये नहीं है गौरव जी के मसाज कोई नया मामला नहीं है इससे पूरब एक हत्या तक हो जाती है आज तक उसका परिणाम क्या हुआ आप बताइए तमाम वीडियो वायरल हुई तमाम अखबारों में छपी तमाम चैनलों दिखाए मुन्ना बजरंगी की जेल के अंदर जेलें लोग माफिया लोग जेल चले जाते थे अपनी जमानतें खारिज करा के कि हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे अब जब जेल में भी आदमी सुरक्षित नहीं रहे ये तो छोटी सी घटना है मसाज की कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है ये जहाँ पैसा खर्च करिए सारी सुविधाएं सारी व्यवस्थाएं टोटल हो जाती हैं और आज का नहीं है तमाम वर्षों से चला आ रहा है ये और इसके भी मामला सेंट्रल से भी आते हैं कहीं ना कहीं आप छूट दे रखे हैं क्योंकि जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं ये कहीं ना कहीं इसकी जो सरप्रस्ती है संरक्षण है वो भाजपा ही कर रही है अब हम किसी पार्टी का नाम लेके किसी को शर्मिंदा करें या खुद शर्मिंदगी उठाएं वो हम नहीं करना चाहते ये आम आदमी समझ रहा है बहरहाल बात मुद्दे की हो रही थी मसाज फिर समझ लीजिए कि मसाज कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है और ये मसाज के ऊपर जो डिबेट हो रही है यही बात नहीं है अभी देखिए अभी चार दिन पहले एक बाप दो बेटियों को लेकर के खुदकुशी कर लेता है अच्छा। किसी चैनल पर डिबेट नहीं हुई कहीं कोई खबर नहीं आई छोटी छोटी अखबारों में खबरें छपी खत्म हो गई उससे करीब दो महीने पहले एक पूरी फैमिली विद वाइफ के वो अपनी दो बेटियों को लेकर गंगा में गाड़ी कुदा देता है खत्म हो जाता है कहीं कोई डिबेट नहीं कहीं कोई चर्चा नहीं कुछ नहीं देखिए और जो इनका नारा विकास भाजपा का चूंकि विकास सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास तो, हाँ सबका विश्वास तो विकास हुआ है मैं मानता हूँ विकास हुआ है अराजकता का अच्छा। विकास हुआ है सांप्रदायिकता का विकास हुआ है बेरोजगारी का अच्छा। विकास हुआ है भ्रष्टाचार का विकास हुआ है अशिक्षा का ये जितनी भी तमाम चीजें हैं ये सब मैं विकास में जोड़ लेता हूँ सारी की सारी भाजपा के दामन में डाल देता हूँ इसलिए कि इससे पहले ना तो शिक्षा थी ना रोजगार था सब भूखों मर रहे थे आज मोदी जी की सरकार है 9 साल से सब पेट भर के खाना खा रहे हैं अच्छा। शिक्षा थी नहीं आज शिक्षित लोग हो गए हैं डिबेटों पे चैनलों पे डिबेट कर रहे हैं बहस कर रहे हैं रोज और क्या नाम स्वास्थ्य था नहीं आज सारे मतलब अस्पतालों में मरीज भरे पड़े हैं ये स्वास्थ्य मिल रहा है तो कुल मिलाकर के देखिए इनका चाल चरित्र चेहरा जो भी है वो सब जनता के सामने है इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है जनता देख रही है और जनता ज्यादा अहंकार जब किसी को हो जाता है तो उसका परिणाम भी सामने आता है हम अखिलेश जी को बहुत अहंकार था अल्लाह जो एक कहावत है गांव वाली देहात वाली या हाँ। जो आम आदमी कहावत कहता है कि काले आदमी से बात नहीं करते थे उसका परिणाम उनको मिला अरे कहां बात करते रहे भाई नहीं नहीं वही मैं कह रहा हूँ अब अच्छा। आज की स्थिति में वही पोजीशन भाजपा की है अच्छा। तो ज्यादा देखिए 10 साल या 15 साल सत्ता में रह लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती कांग्रेस भी 50 साल रही 60 साल सत्ता में लेकिन आज कांग्रेस की क्या स्थिति है गौरव भाई ये मुझे कहने बताने की चैनल पर जरूरत नहीं है पूरा देश देख रहा है पूरा विश्व जान रहा है और भाजपा जितना अहंकार में डूबी नजर आ रही है आप देखिए जिस तरीके से सपा भाजपा में नूरा कुश्ती हो रही थी मैं तो नूरा ही कुश्ती कहूंगा कि एक दूसरे के अलावा तीसरे को बोलने देना नहीं ये क्या मतलब है इसका आप बताइए नूरा कुश्ती नहीं तो क्या है आए? अरे चुनाव की बात है चुनाव आज निकल परिणाम सामने आ जाएंगे भाई आम आदमी पार्टी का मामला है मैं पहले कह चुका हूँ मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन आप बार बार नाम नहीं ये सब इनकी सरपरस्ती सब भाजपा कर रही है आज की तारीख में क्या बात देखिए दिल्ली में कांग्रेस की मजबूत सरकार थी शीला जी ने ऐसा नहीं है शीला जी का काम आज भी बोल रहा है दिल्ली में और बिल्कुल मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि शीला जी ने जितना काम करा दिया केजरीवाल जी की कल्पना नहीं है उतना काम कराने की जी लेकिन एक मोदी से बड़े सपने केजरीवाल ने दिखाए थे अच्छा। इसमें नो डाउट वही आज सपने तो आप कह रहे हैं बीटी में नहीं बीटी में इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी क्षेत्रीय दल में खाली आम आदमी पार्टी को मैंने अकेला नहीं कहा है अच्छा। जितने भी क्षेत्रीय दल है सबकी सरपरस्ती बीजेपी कर रही है आज की तारीख में चाहे वो आम आदमी पार्टी हो अन्य आदमी अब आप आम आदमी का बार बार नाम ले रहे तो सुन लीजिए वही यार पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी बीजेपी ने वॉकओवर दिया सरकार बना दी ताकि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाए और वो हुआ भी अच्छा। अब गुजरात में पिछली मर्तबा जो कांग्रेस और बीजेपी का
मतलब कांटेस्ट था, कांटे की टक्कर थी और चुनौती बन के उभर रही थी, वहाँ आम आदमी पार्टी पहुंच गई। आम आदमी पार्टी ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी है, उसको अधिकार है। वो लखनऊ में अगर सारी सीटें लड़ ले 403, तो मैं क्या रोक लूंगा या कौन रोक लेगा बताइए? किसी की हैसियत रोकने की, या जितनी भी जहाँ भी जितनी सीटें हैं अभी 400-524 लोकसभा सीटें हैं, वो 524 लड़ ले, कौन रोक लेगा भाई? एक राजनीतिक पार्टी की शक्ल में सूरत में आम आदमी पार्टी स्थापित हो चुकी है आज की तारीख में, और ये भी कांग्रेस ने कह कह के प्रेरित किया गया। अमरूद पार्टी, ये कांग्रेस के बड़े नेताओं को बयान थे कि अमरूद पार्टी, आम पार्टी अगर लड़ना है तो आओ मैदान में, वो मैदान में आ गया। अब ये अलग बात है कि उसको कहीं ना कहीं से उनको वो भी मिल गई, आज वो मुख्यमंत्री हैं, पंजाब में भी उन्होंने मुख्यमंत्री बना लिया है, और मैं तो कहता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है कि वो सर कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए गुजरात में भी मुख्यमंत्री बीजेपी बनवा दे। अच्छा। बहुत कड़वी बात है ये गौरव जी, आज नहीं तो कल इसका परिणाम देख लीजिए। कांग्रेस की स्थिति भी मजबूत नहीं, मजबूत तो थी, मैं तो मान रहा हूँ भाई, बराबर का टक्कर थी। अच्छा। और चंद सीटों का मामला रह गया था वरना, और अच्छा। ये और एक हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस के बड़े नेताओं जो मेरी बात हुई है कि वो ठीक भी रहा था पिछली बार कांग्रेस की सरकार वहां नहीं बन पाई, इसलिए कि बेचारे कुछ कर तो पाते नहीं, सारा दोष कांग्रेस के सर आता। अच्छा ठीक, भाई ये कुछ कर नहीं देते, जैसे आज की स्थिति में आप ये मसाज का मसला उठ गया है। मसाज का मसला उठा क्यों? ये कौन सी ऐसी बहुत बड़ी घटना थी जो उस पर डिबेट हो रही है? गौरव जी डिबेट होना चाहिए बेरोजगारी पे, डिबेट होना चाहिए थी शिक्षा पे, डिबेट होना चाहिए थी स्वास्थ्य पे, डिबेट होना चाहिए भ्रष्टाचार पे। आप जिस तरीके से अभी आप यजदान वो अपार्टमेंट तोड़ा जा रहा है, आप बताइए कोर्ट का मौखिक ही आदेश थे, कोर्ट कोर्ट होती है अदालत, एक तरफ तो ये कहते हैं मैं अदालत को सर्वोच्च मानता हूँ, और एक तरफ ये अदालत के इनके अधिकारी अवहेलना कर रहे हैं, आखिर क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अच्छा, भाई आप बताइए एक वीसी की, एक उपाध्यक्ष की, या एक किसी भी बड़े अधिकारी की आईएएस की इतनी हैसियत नहीं जो अदालत के खिलाफ जाए। अदालत अदालत होती है, अदालत का वकार जितना इस सरकारों में गिरा है, अच्छा, मैंने कभी इतना अदालत का वकार गिरते नहीं देखा गौरव जी। ये बात बिल्कुल ईमानदारी की है, हो सकता है हमारे केसी भाई को खराब लग रही हो, लेकिन ये एक सच्चाई है, और इस पर मैं कोई ज्यादा टिप्पणी इसलिए भी कर सकता हूँ कि मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ और न्यायिक व्यवस्थाओं पर पूरी तरह मैं यकीन रखता हूँ। ठीक ठीक है तकी भाई, पहले केसी भाई यहाँ पर आप रोहित भाई पे बोल रहे थे भाई, अगर उन्होंने बात कही है कि चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोग 1,000-1,000 करोड़ खर्च करते हो और इस तरह उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, तो भाई दिक्कत क्या है? देखिए पहली बात तो यह है कि विश्लेषक महोदय किस विचारधारा से ग्रसित है ये वो जाने, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कोई विकास नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, पहले अगर शिक्षा थी, देखिए शिक्षा और विकास ये एक सतत प्रक्रिया है जी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जो है कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन आप अगर सारी चीजों को नकार रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है सब कुछ पहले था, अब कुछ नहीं हुआ है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं आप सब कुछ हो गया है, यही तो आप लोग भी कहते हैं कि सब कुछ था नहीं पहले, 9 साल में हुआ है। मेरी बात को सुन लीजिए, आप भी तो यही कहते हैं कि 9 साल में सारा हुआ है, 60 साल कांग्रेस ने। अरे मेरा जवाब, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का नेता हूँ। अरे केसी भाई सुन लीजिए, हमारी सुन लीजिए, अभी आप नहीं, मैंने आपको पूरा ऐसा कुछ नहीं था, तो आप भी तो यही कहते हैं कि 9 साल में जो हुआ है वो पिछले सालों में नहीं हुआ। वही बात, अरे आप तो विश्लेषक है ना कि आप कांग्रेसी या सपाई है जी। अरे फिर वही बात, आधा घंटा कहाँ बोले आप?
जी आधा घंटा तो आप बोल रहे आप ही बोल रहे थे सपा प्रवक्ता को बोलने नहीं देने जा रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता को बोलने नहीं देने जा रहे थे आप पता नहीं मुझे आप टेप लगाई थी आपकी आत्मा बोल रही थी नहीं आपकी आत्मा अच्छा केसी जैन साहब तो आपकी आत्मा बोल रही थी अरे जैन साहब बताइए आपकी आत्मा बोल रही थी आपकी आत्मा बोल रही थी अरे आप सपा प्रवक्ता को बोलने दे रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता को बोलने दे रहे थे फिर आप कह रहे हैं हम बोले कितना बोलेंगे और आप भी नहीं सुनना चाहते क्या नहीं सुनना चाहते मतलब है अभी मुन्ना भजंगी की हत्या हुई थी जेल के अंदर अरे अजीब बात है अजीब क्या बात है भाई आप बताइए ठीक है ठीक है आपका जवाब ठीक है ठीक है हो गया तकी भाई कुछ बोलना चाहते तकी भाई बोलिए भाषण दीजिए मुझे नहीं तकी भाई बोलिए आप भाषण दीजिए तकी भाई भाषण तो आप ही लगाए थे आप मुंह में टेप भी लगाए हुए थे मैं ना मुझे कोई बात नहीं करनी आप बोलिए भाषण तो आप भी दे रहे आप सपा आप कांग्रेसी विश्लेषक को ऐसे विश्लेषण करता है कैसे करता है कुछ हुआ ही नहीं देश में देश कर्ज में चला गया ये विश्लेषण आपका विश्लेषण है आपका अरे फ्रांस कह रहा है कि भारत देश को हस्तक्षेप करना चाहिए अभी G20 का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत देश का सम्मान होना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और आप कह रहे कुछ हो ही नहीं आपके घर में कहीं हुआ होगा अपना विचार अपने घर में रखिए आपका विचार नहीं चाहिए नागरिकों को मत दीजिए अपना विचार अपने पास रखिए आप विश्लेषक नहीं है आप विश्लेषक नहीं है अपने नीचे लिखा है प्रवक्ता मैं प्रवक्ता सपा प्रवक्ता मैं किसी भी विश्लेषक को कुछ नहीं कहता हमारी आदत है मैं विश्लेषक को कुछ नहीं कहता लेकिन लेकिन सुनिए आप एक तारीफ करते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश के अंदर सरकार सरकार देश के विकास के लिए और सरकार ने कोई एक तो काम किया होगा आप सब बोले 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 केसी भाई तकी भाई बोल रहे हैं केसी भाई केसी तकी भाई बोल रहे हैं तकी भाई सुन लीजिए बोलिए तकी भाई बोलिए देखिए भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के सवालों से डरती है डरपोक पार्टी है अच्छा वो आम आदमी के सवालों का जवाब देना नहीं चाहती इस तरह से इस तरह के झगड़ों को बीजेपी बोल रहा है क्या डिबेट के अंदर सही बात ना हो पाए आप बताइए शिक्षा को लेके भारत में क्या हो रहा है स्वास्थ्य को लेके भारत में क्या हो रहा है आरोप लगा के भाग जाएंगे आप लोग नहीं करेंगे केवल और केवल वोटों को लुभाने का काम करेंगे तो चाहे आदरणीय डिंपल यादव जी हो चाहे अक्षय यादव जी हो चाहे धर्मेंद्र यादव जी हो चुनाव हारेंगे कई उपचुनाव के बाद चाहे मैनपुरी हो आप देखिए उपचुनाव अभी हुआ आजमगढ़ में आप चुनाव नहीं जीत पाए आपका बूथ क्या कर रहा था बूथ की मजबूती आपका चुनाव रामपुर में क्या कर रहा था मजबूती क्यों क्योंकि ये सारी चीजें आपने जो जनता जनता के लिए काम करेगा जनता मुख्यमंत्री जनता के लिए काम किया जनता ने सुनने के लिए अगर आप काम करेंगे अगर आप जनता ने काम नहीं किया आप क्या कह रहे हैं उदाहरण दूंगा अगर आप इस बात से जवाब दीजिए तो डिबेट खत्म जिसकी बारी है उसको बोलने दीजिए आप दो मिनट गया इस समय बहुत कम है ताकि भाई आपकी बारी है आपको बोलने दीजिए ताकि भाई एक मिनट आप नहीं तय करेंगे ये ताकि भाई
आपकी गुंडागर्दी यहाँ चैनल पे नहीं चलेगी। आप गुंडागर्दी कहाँ पे करिए? अभी उसके बदले में इंकाउंटर भी होते हैं कि आपके गुंडागर्दी यहाँ चैनल पे नहीं चलेगी। अभी अभी मैंने कहा कि आपका मुख्यमंत्री गुंडा है, अभी और बताने की जरूरत है क्या आपको? अभी और बताने की जरूरत है क्या? गुंडागर्दी आपकी भाषाबाजी नहीं चलेगी। ठीक है तकी भाई जल्दी बोलिए, बोलिए तकी भाई जल्दी। पूरा परिवार आपको चुनाव हार गया, क्यों चुनाव हार गया? चुनाव हार गया, घर में बैठना पड़ गया आपको, जीतने जाए कहीं बचे आप लोगों की वजह से समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है। यहाँ पर चर्चा नहीं है, यहाँ पर नूरा कुश्ती हो रही है, नूरा कुश्ती में चर्चा नहीं होगी। हो गया हो गया, ठीक है हो गया। आप सभी मेहमानों इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा महत्वपूर्ण होता है, मुद्दों पे कोई बात करना नहीं चाहता है, एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। जनता भी जानती है, पत्रकार भी जानते हैं, विश्लेषक भी जानते हैं और नेता भी जानते हैं कि कौन पार्टी कितने पानी में है। चुनाव आने वाला है, परिणाम भी आएगा, MCD का भी, निकाय चुनाव का भी, गुजरात का भी। जनता किसको चुनेगी वो जनता बताएगी, जनता जनार्दन है। फिलहाल मैं एक ही बात कहना चाहूँगा इस डिबेट के माध्यम से कि डिबेट की गरिमा को और डिबेट की व्यवस्था को बनाए रखिए। अगर आप सबको बोलते रहेंगे बीच में तो डिबेट खराब होती है। डिबेट खराब मत करिए, डिबेट का माध्यम जनता के मुद्दे उठाना है, डिबेट का माध्यम जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको सुचारू करना है और डिबेट का माध्यम संदेश देना भी है। डिबेट का माध्यम केवल लड़ाई करना नहीं होता है, जिस तरह से यहाँ देखते हैं कि नूरा कुश्ती का माहौल बन जाता है। जनता जनार्दन है, जनता बताएगी कि किसको सत्ता की कुर्सी बैठाना है और किसको उतारना है। जो जनता के बीच जाएगा, धरातल पर संघर्ष करेगा, जनता उसी का जनाधार बनेगी। बनना जो राजनीति केवल सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है उसमें केवल केवल एक ही परिणाम आएगा, वो है निराशा और परंपरा चलती रहेगी। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम TV सच।